ये फ्रेंड मैंने गुदावरी के पौधे अपने हटा दिए हैं, और इसको मैंने किस तरह से हटाया है, किस तरह से इसको मैंने बनाया था पहले, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो, हम टेरिस पे गार्डनिंग करते हैं तो टेरिस पे हमारा वजन कम होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ अपना गार्डन का जो निकले हुए कचरा होता है, फूल पत्ते जो भी बचता है, मैं उसको इकट्ठा करती रहती हूँ। उसके बाद मैं बड़े कंटेनर में इसको भर देती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें कोई भी सीजन के जब पौधे आते हैं वो लगा देती हूँ। जैसे सीजन चेंज होता है तो मैं इसको हटाती हूँ, तो मेरे पास दोनों चीज़ें हो जाती हैं, मिट्टी भी बन जाती है और मेरे पास इतने सारे खाद भी हो जाता है, और मैं उन पौधों को फिर से जो मैं इन पौधों को लगाती हूँ उनको मैं इस तरह से सेव करके रख देती हूँ। जैसे मैंने ये स्टप में रख दिए हैं, जो भी मेरे पास तीन चार कलर के थे सब मैंने इसी में लगा दिए हैं। जो लगे थे उसको मैंने लगा रहने दिया, और जो अलग से लगे हुए थे वो मैंने इसमें लगा दिए हैं, और मैंने इस तरह से अपने गार्डन के लिए बहुत सारी मिट्टी तैयार कर ली है। इसके लिए मुझे कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्की मिट्टी है, आप भी देखेंगे तो ये इतनी हल्की मिट्टी है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत, देखो कितनी हल्की लग रही है ये, देखें बहुत हल्की। और इसमें मुझे कुछ बस एक फंगीसाइड मिलाऊंगी, और उसके बाद मैं इसी में पौधे सभी लगा दूंगी जो मुझे लगाने होंगे। तो फ्रेंड मैं तो इस तरह से ही गार्डनिंग करती हूँ। अगर मेरी गार्डनिंग आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताना कि मुझे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और मैं किस तरह की गार्डनिंग करती हूँ तो आपको पसंद है या नहीं। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से अपने पौधों को हटाएं, फिर वेस्ट में लगाएं, फिर खाद भी बन जाता है और हमारे टेरिस पे जो है वजन भी कम रहता है। तो फ्रेंड मैं तो इस तरह से ही करती हूँ, तो आप भी इस तरह से अपने पैसे की बचत करें, छत पे कम वजन चलाएं, और जो भी कचरा निकलता है किचन का या गार्डन का, इस तरह से सेव करके किसी बड़े कंटेनर में रख दें, जैसे मैंने इसमें रखा हुआ है। और मैंने जो टब दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, इसमें भी मैंने किचन का ही कचरा भरा था, और जो मैं टेरिस पे झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ करती हूँ, पत्ते वगैरह हटाती हूँ, वो मैंने इसमें भरा था। उसके बाद फिर मैंने इसमें कटिंग लगा दी। अब ये जब अगले साल के लिए मैं इसमें से जब कटिंग लगाऊंगी, ये खाली हो जाएगा, फिर से मेरे पास इतना सारा खाद भी बन जाएगा और मिट्टी भी बन जाएगी, और इससे मेरी छत पर कुछ वजन भी नहीं रहेगा। 3 साल में मैं सिर्फ एक कट्टा मिट्टी लेके आई हूँ, और इसमें आप देखोगे कि मेरे पास कितने सारे पौधे हैं। दिखाती हूँ आपको कि मैंने सिर्फ एक कट्टे से इस तरह से 3 साल में इतने पौधे कर लिए हैं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कितने सारे पौधे किए हैं। तो फ्रेंड मैं मिट्टी कम यूज करती हूँ, किचन वेस्ट से को इकट्ठा करके उसी से ही मैं इतना सारा अपना खाद बना लेती हूँ, मिट्टी भी कम लगती है और उसी में मैं पौधे लगा देती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने हटा दिए गुदावरी को और सेव भी कर दिए, और इसमें मैं और नए पौधे लगा दूँगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।